हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं सूखी अरबी की सब्जी। ये मैंने अरबी ले ली है, इनको मैंने दो बार अच्छे से पानी से धो लिया है। अब हम इसे इस कुकर में डालेंगे और एक विसल आने तक हम इसे पकाएंगे और पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि ये अच्छे से डिप हो जाए। अरबी हमारी अच्छे से पक गई है बिल्कुल। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें हम छील लेंगे अच्छे से। छिलका उतारने के बाद हमारी जो अरबी है वो बिल्कुल कुछ ऐसे दिखेंगी, सफ़ेद रंग की। छीलने के बाद हम अरबी को काट लेंगे, हमें बड़े टुकड़े रखने हैं, ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं एक बार। हमें चाहिएगी अजवाइन, दो कटी हुई हरी मिर्च, दो मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज, और ये अरबी को हमने उबाल के छील के और काट लिया है। तो चलिए अब हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल ले लेंगे। तेल गर्म होने पर हम उसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन के बाद हम डालेंगे उसमें हमारी कटी हुई हरी मिर्च, उसके बाद डालेंगे प्याज और अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद डालेंगे एक चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और अच्छे से मिला लेंगे। मसाले पक जाने के बाद हम अरबी डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और गरम मसाला और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। कुछ देर तक हम इसे लो फ्लेम पे ऐसे ही पकाएंगे, दो मिनट तक, फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारी मसालेदार अरबी तैयार हो जाएगी। सब्जी बनने के बाद हम उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। हमारी मसालेदार सूखी अरबी की सब्जी तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। नई नई रेसिपीज़ के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।